केंद्र वालों पास किए खेती कानून नूं लैके पंजाब दे किसान कानूनां नूं रद्द करवाउण लई अड़े हुए हन ते उन्होंने केंद्र नाल संघर्ष करन लई दिल्ली वल कूच कर दिता है जिस ते हरियाणा सरकार ने जिथे किसानां ते लाठीचार्ज ते पानी दीआं बुछाड़ां करन वालीआं खबरां मिलीआं उन्हां नूं लैके अज भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे सूबा आगू रामकरण सिंह रामा ने 26 तरीक नूं हज़ारां किसानां नूं नाल लैके दिल्ली वल कूच करन दीआं तैयारियां मुकम्मल कर लईआं हन। इस संबंधी उह श्री दमदमा साहिब ते किसानां लई लंगर दे प्रबंधन दा जायजा लैण आए ते पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं दस्सिआ कि उह 26 तरीक नूं दिल्ली वल हर हालत रवाना होणगे जिथे ही उन्हां नूं रोकिआ जावेगा उत्थे ही उह पक्के मोर्चे ला के केंद्र सरकार नाल संघर्ष करके हर हीले केंद्र सरकार वल्लों पास कीते खेती कानूनां नूं रद्द करवाउणगे। उन्हां अज हरियाणा सरकार वल्लों किसानां ते कीते लाठीचार्ज ते पानी दीआं बुछाड़ां दी सख्त शब्दां विच निखेधी कीती। उधर हरियाणा पुलिस ने भी पंजाब हरियाणा की सरहद से पैंदे पिंड नसेहा लागे पंजाब हरियाणा का बार्डर सील कर दिता है कि हरियाणा के पुलिस अधिकारी ने नसेहा बार्डर से लगे नाके से मीडिया नाल गलबात दौरान कहा कि किसानों नूं हरियाणा रस्त्यों दिल्ली जाने तो रोकने लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिस तहत होरना नाकियां की तरह उप नाके से भी बैरीगेड लगा के सील किया गया है परंतु आम आम आवाजाई नहीं रोकया जा रहा सिर्फ किसान ही रोके जा रहे हैं। हम देखना यह होगा कि 26 तरीक नूं किसानों ते हरियाणा पुलिस विचकार की बैंगनी उड़दी है यह तो आने वाला समा ही दसेगा। इतने मैं हम तलवंडी आया तैयारियां संबंधी सारा जायजा लिया कल इतने साढ़े किसान आने हैं हजारों की गिनती में 9 बजे असं इतने कट्ठे होना है। ये लंगर पानी का सारा प्रबंध ये संत छोटा सिंह बेनती की है मास्तवाणी वालों इधर अकाल तख्त साहब के मैनेजर बेनती की है ये लंगर असी जो है हजारों की गिनती में जैसे बंदे आने सारा इतने सारा तैयार होगा असी दिल्ली वालू जा रहे हैं। जेड़े ये काले कानून लैके आया नरेंद्र मोदी खेती विरोधी किसान विरोधी पंजाब विरोधी मजदूर विरोधी आढ़ती विरोधी ये खिलाफ साडा संघर्ष नवे 5 महीने तो चल रहा है। अज असी ये संघर्ष के जोड़े साढ़े किसान 24 तरीक तो चले दिल्ली वालों भी हरकतियां हुई उत्थे जाके अज इन्होंने साढ़े किसानों के जोड़े हरियाणा की सरकार है खट्टर सरकार ने उन्होंने साढ़े किसानों से लाठीचार्ज किया तो पानी दछाड़ा मारिया से सख्त निंदा करते हैं। असं कहने भी असं अगे दुखी हैं असी बरूद के ढेर से बैठा किसान सानू ना छेड़ो तो असी सा शांतमई प्रोग्राम है जे तुम इस तरह करा तो ये अगे मोर्चा होर भख जाए ये तेज़ हो जूगा मोर्चा साढ़ा हरियाणा भी साढ़े किसान इन्होंने गिरफ्तार किया साडा सूबा प्रधान है उस हरियाणा का रतन सिंह मान इन्होंने वो भी गिरफ्तार किया सख्त निंदा करते हैं पर साड़ी जी लड़ाई है जिन्ना चे के काले कानून है जोड़े लैके आए हैं ये रद्द नहीं होंगे तिने कानून रद्द नहीं होंगे जोड़ा खेती पराली के कानून है इन्होंने बनाया है 1 करोड़ रुपया जवाना 5 साल की सज़ा उन्होंने भी रद्द करवाना है कर्जा ही माफ करवा डॉक्टर स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू करवानी है जिन्हें किसानों के परचे हुए सारे असं भी रद्द करवाने हैं पर यह असं साडा संघर्ष है जोड़ा हूँ जो अभी जावे इतों तुरा गए अभी तलवंडी तो तड़के 10 बजे दिल्ली वाले जिते सर रोके अभी उत्थे बैठा शांतमई साडा प्रोग्राम है ये जिमें फौजी लड़ाई लड़ते हथियार लड़ते वो हदा से साड़ी केंद्र ना सरकार ना लड़ाई है साढ़े जो ट्रैक्टर साढ़े कैंटर न हो साढ़े टैंक न हो अभी टैंक लैके मगर साढ़े भी पानी टैंकियाँ सारा प्रबंध है साढ़े को गैसी चूल्हे लैके असी महीने का राशन लैके चले हैं असी पक्के मोर्चे लावे बिल्कुल उसे वापस नहीं मुड़ा साड़ी लड़ाई करो ज मरो वाली है ये संघर्ष साड़ा जारी रहेगा केंद्र सरकार को सोच लेना चाहिए तो 3 तरीक न 1 बजे तक कहते साढ़े मीटिंग करो केंद्रीय मंत्री कहते दूजे पास साढ़े किसानों को गिरफ्तार किया जाता साढ़े से पानी मारिया पछाड़ा मारिया जाए सू मैं कंडे उत्तों असं सोचा इस बारे भी अगे साढ़िया 31 जथेबंदियां ने जिड़िया 31 जथेबंदियां साडा संघर्ष है अगर जोड़ा अगला फैसला करनिया अभी सारिया 31 जथेबंदियां कट्ठिया होकर केंद्र सरकार के खिलाफ साडा संघर्ष लगातार जारी रहेगा उन्हें तेरे वापस नहीं मुड़ा जिन्ना चक्के काले कानून लेके आए रद्द नहीं होगा।